तू ना हूं कुछ ना लाएंगी तेरे वाल ठीक हो जाने जी मजीद देखिए मौरा कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है और वो थैला आप देख रहे हैं उसमें क्या है उसमें ना हमारे तमाम जो है ना यूटिलिटी बिल है मतलब सुई का इसका बिजली का और हमारा के और ये पेट सर में दर्द दवाई खा लो तुमने ज्यादा काम किया है मैं तुम्हें कह रही थी ना करो ओ हवा ही बजदी पी है ते सिर दा इंज नाल इंज जांदी पी है पीछे खाई हुई है ना रोटी पटन ते दवाई खाओ उधर नहीं मैं लाना मेरे को जाना मैं इथे ही तो सही हूं हैं तुमने खुद ही कहा था तो मैंने गर्मी लाती पी है इथे भी फिर अब चलो तुम आराम करो मैं ना इसको दवाई देती हूँ और इसको करवाती हूँ आराम और हम लोग जो है ना हम लोग ने मैक्रोनी जो बनाए थे वो बहुत यम्मी थे ना हाँ बहुत बोल यम्मी सी अरे मेरा कान वो कहती जबरदस्ती तारीफ करती थी जबरदस्ती गाइस ये मेरे कान में कह रही है जबरदस्ती आपकी बहन अच्छा खाना बनाती है इसी तरह नहीं बनाती हाँ बहुत अच्छा खाना था हाँ 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 अच्छा था वीर पे पे नहीं फ्रिज दे जा कर ले हम लोग अपने पैसे बचे हुए रख देते हैं फ्रिज में दस दे कोई आवे आके फ्रिज चो पैसे काट तो गाइस मेरी बहन ने बहुत बुरे नूडल्स अक्सर साडे सब्सक्राइबर फ्रिज दे कोल बार खलोते हुंदे ना आके नहीं वो ऐसे नहीं है गाइस बदतमीज मेरे गाइस को कुछ ना कहो कसम से अक्सर आते नहीं लोग फ्रिज के पास खड़े होते मैं सिर्फ ताड़ी हूं हां वो तो फिर एक दिन ना हम लोग डर गए हमने कहा हाय अल्लाह ये ऐसे फ्रिज के पास सीधा खड़े हो जाते हैं दरवाजा के नॉक करने लग जाते हैं और अल्लाह ना करे कुछ हो जाए कुछ अभी नबी हो जाए आजकल के माहौल वक्त का क्या पता है फिर हम लोगों ने ना भाभी से बोला भाभी आप ना मतलब जो आते हैं ना सब्सक्राइबर्स वगैरह आप पहले उनसे मतलब उनकी तसल्ली किया करें फिर हमें बताया करें हम लोग मतलब उनसे मिलेंगे एक दफा एक आपी आई बुरखे में और वो अपना मास्क ही ना उतारे और मैंने उनको 8-10 दफा कहा अपना मास्क उतारे मैं डर गई मर्द अंदर आ गया बुरखा पहन के ओए हमारा त्राह निकल गया गाइस लेकिन वो एक आपी थी उनके दो बेटे थे वो भी साथ थे हाँ हम लोग डर गए थे हम तो इस वजह से हमें दरवाजा खोला तो वो सीधा अंदर आ गई तो हम लोग थोड़ा सा डर गए थे फिर इसलिए हम लोगों ने नेक्स्ट टाइम डर के भाभी से कह दिया कि जब भी कोई आए ना तो हमें मतलब पहले पूछ लिया करो और हम पहले आप खुद तसल्ली कर लिया करें फिर मतलब हम पहले देखेंगे नीचे आके मिलेंगे फिर हम ऊपर उनको ले आएंगे और फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे ही हुआ था एक फैमिली आई थी तो उनकी एक सिस्टर थी तो वो खुद हस्बैंड वाइफ थे और उनके 3 बच्चे थे वो फैमिली आई थी हमसे मिलने तो हम लोग उनसे मिलने गए फिर वो फैमिली अच्छी थी तो हम लोग उनको फिर ऊपर ले आए थे वो नीचे खड़े थे ना गर्मी में फिर हमसे देखा नहीं जाता हम रजा बट की तरह नहीं है कि वो नीचे खड़े हैं तो खड़े हैं लोग गर्मी में हम लोग एहसास कर लेते हैं एहसास की मामी वो इतने लोगों को कैसे अपने घर बिठाए पागल इतने लोग जो तुम्हारे दरवाजे के आगे होते तुम ऊपर बढ़ा लोगी उनको नहीं मतलब एक अद्धी फैमिली नहीं आजकल भरोसे का जमाना नहीं है भरोसे का जमाना नहीं है लेकिन हम साढ़े को जगह नहीं है और गली साढ़ी आनी जिन्नी है 2 बंदे खलो तेरे लगना था तीजे का ही नहीं बचता तो फिर एडी वड्डी फैमिली हाँ ये तो है कि मतलब हमारी गली छोटी है ना तो अगर लोग नीचे ज्यादा खड़े हो जाए ना तो वो फिर बुरा लगता है इंसान हाँ। वो फैमिली थी बीवी बच्चे थे उनके बहन थी इस वजह से फिर हम उनको ऊपर ले आए थे
लेकिन अब देखो तुम रजब की बात कर रही हो तो वो इतने लोगों को अपने घर में थोड़ी बिठा सकता है। फैमिलियां मिलन आंदी ना बी मियाँ बीवी भैन भरा इस तरह बच्चे आंटीज इस तरह आते ना वो बुए के थले तो भाई खलोते रहते हैं। अल्लाह माफ है शुक्र है साढ़ा ऐसा सीन नहीं है और अल्लाह ना ही खड़े क्योंकि साड़ी गली ही है छोटी और हमारे जो गली के लोग हैं ना मतलब छोटी गली छोटा माहौल ये वो ना तो फिर लोग अच्छा नहीं समझते यहाँ के। छोटी गली छोटी सोच छोटे लोग असी भी छोटे ही लोग हैं असी उन्होंने कल्याण नहीं कह रहे सी आप भी यही करने हैं मतलब हमें खुद इस चीज़ का घबरा पड़ जाए कि हाय भैया आ गया हाय कल्ला आ गया हाय हम की करिए मतलब हम खुद भी यही सोचते हैं। हाँ। हमले ये नहीं कह रहे कि वो गलत सोच रही है वैसे अब ये शुरू शुरू से जो लोग छोटे मोहल्ले में रहे हैं ना उनकी सोच छोटी उनकी सोच ऐसी है कि यार हाय अल्लाह भैया के खलो गया गली चाहे लोग की मेरे बड़े की सोचेंगे लेकिन अगर यही हम लोग कहीं बड़ी मतलब सोसाइटीज वगैरह में होते ना तो हमने ये ऐसे नहीं सोचना था और अभी मेरा दिमाग में दर्द हो रही है तो मैं ज़्यादा जोर से नहीं बोल सकती फट ना जाए। चलो बैठो हम ब्लॉग बंद करते हैं। अमारा 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 मेरी बहन अमारा 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 क्या अमारा अमारा कह के एक्टिंग से इतना करा दी थी पागल से नहीं थी अमारा कह दी मैं सही तरह एक्टिंग तो कर दी मैं अंगूठी बच गई है अमारा भी हो सो भी सोच अमारा 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 पड़े हो या फिर करांगी हूं तक दसे बगैर मजान तू करन ता सही तरह में यार तू आप मुझे ना मेरा एक दोस्त कहती रहती है जब भी तुम सर में खुड़कती हो ना तो मैं तुम्हारे व्लॉग में यही चीज नोटिस करती हूँ और ना उसने मेरा नाम जदोड़ी डाल दिया मैं उसको कहती है मेरे सर में जू नहीं है नहीं है तो मैंने ना तो कहती है कि नहीं 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 जू है तो मैं उसको कहती हूँ कि मेरे सर में खुश्की है वो खारिश करती है मुझे हाँ खुश्की खारिश करती है सिकड़ी खारिश करती है तो वो मानती नहीं इतनी बदतमीज है ना वो हमारा तरासा देखने वाला सी तू हंसी क्यों है यार अड्डा मजा आ रहा सी अड्डा मजा आ रहा सी अमारा अमारा नहीं मोरा मोरा की होता यार अमारा मोरीना मोरीना मैं कहवा दे तू तो पागल हो गया तू मैं तो फिर जितनी एक्टिंग कर ले तू तो उन्नी भी ना कर सके मैं जो अमरेना अमरेना कर रहा हूं ओ मोरीना ओ माय गॉड हमसे एक्टिंग भी नहीं हुई और तुमने उसकी एक्टिंग हो रही थी एक्टिंग हो रही थी तुमने क्यों कहा अमारा अमारा तुमने अमारा अमारा पे एक्टिंग की है अमारा सही थी मर भी जावा रियल है तू अमारा अमारा करे तो मेरा हासा निकल जाए मड़ी ही मड़ी उठ जाएगी मड़ी सिर्फ हासा ही निकलना जिंदा नहीं होना तू अपना डरती ना महंगी पे एवं मड़ी का हासा कि मैं निकलेगा जीवदे तो निकलता है हासा पता अम्मी अंजी करती भी सी मड़ी की करती सी है ना कर ओ कैमरा चाहते ध्यान मेरे वल आओ मेरा ध्यान तेरे वल सी यार अब फिर करना पता नहीं मैं किन वेख्या सी रे बेबी आंटी ने इंज अख खोल के इंज बंद कीती सी अम्मी रे हिली नहीं सी अम्मी ते सीरियस सी अम्मी कैसे सीरियस थी और फिर बताना अम्मी ऐसे सीरियस थी और जैसे किसी का मुंह बांधना पड़ता है ना ऐसे अम्मी का तो नहीं सी बनी है अम्मी का तो नहीं बांधना पट्टा बनी रहा पट्टा क्या पट्टा चवले मजाक ना बना हमारा कैसे पट्टा बनते हैं ऐसे माई तू ना बन प्लीज थले ला हमारा थले ला यार मैं वीडियो बंद कर दें थले ला हमारा यार बन ही नहीं जाता पे मर के ही बनने का इंज नहीं बनया इंदा पे
वो छोटा होंदा यार बड़ी ही है। अच्छा ते ना साडी अम्मी दा मुंह किंजी जिस तरह किसी दा गले नु कुछ होई वे ते अत्ते पट्टा नहीं पंग बगैर तो चुप कर किदे होया सी मैं किदे वेख्या सी साडे चाचे नु भी होया सी ना मोगे वाले नु हैना ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਟਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਘੜੇ ਤੇ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਮੈਂ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪੜ ਲੋ ਮੈਂ ਪੜ ਲੋ ਘੜੇ ਦੀ ਚੱਦਰ ਬੰਨੀ ਹੀ ਸਰਦੀ ਲੋਕੀ ਗੁੱਲੂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ ਲੋ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾ ਹਾਂ ਸਿਰਾ ਪਰਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੜ नहीं मेरी बाल सुन माड़ा बाल तो ये भी आज जानी है मेरी बाल कहंदी मैं क्या रे सर्दी तो बचण ले पट्टा बने है अल्लाह दी कसम है मेरा आज तक मैं तने गल नहीं दसी जदों मैं नहीं ना पता चलदा सी तो मैं किसी ऐसे शख्स नु देख लेना था तो मैंने ऐसा लगदा सी जिस तरह ना उन्हें सर्दी तो बचण वास्ते ना जिक रपकट पट्टा पट्टा बनिया है तो ना गाइस जब हमारी मम्मी की डेथ हुई थी ना तो ऐसे सीरियस हो गई ऐसे और आ क्या हुआ इतनी जीप लगा दी पी ऐसे कैसे वो मेरी एक्टिंग गंदी ऐसे तुम बड़ी बात तो मेरा तुम्हारा तवाल काती कैसे मेरी वीडियो दी वॉइस ओवर क्यों बंद हुई है मड़ी ना मैंने तो घबरा पे आई मैंने लिखे वीडियो बनाओ तो ते मैंने तो टेंशन पई हूँ इधर आ हड़े तो मेरे सिर में कुछ हो टेंशन दे नाल ना अच्छा तो गाइस कहता सी कि अकाउंट खत्म हो जाने ही गेनो वाले जड़ा ने साडा करके नहीं दिता की मतलब इतना आदा हो गए ने पता ही नहीं लगता पिया हुन आवे आई आई ते आई आई दे हैं कट लग गया ही है ते इधर है मैं तेरे दहावा तू ना हूँ कुछ ना लाएंगी तेरे वाल ठीक हो जाने गई मजीद सो गाइस मैं दिखा रही थी ये रस कल आपको पता है हमारे साथ हुआ था स्कैम हमने जो सुबह पास्ता बनाया था हमारा ने आपने देखा होगा कल के व्लॉग में तो वो तो ख़त्म हो गया था जब हम उठे हम लोग उधर गए हमने कुछ खाया भी नहीं था वहाँ जाके हमने सूखा सड़ा पिज़्ज़ा खाया और फिर हम लोग वापस आ गए आके हम लोग इतना थक गई हम सो गई और अब हम लोग उठ गए फजर का टाइम और अब हमें लग रही है भूख इतनी ज़्यादा मुझे भूख लगी हुई है कि मैं आपको क्या ही बताऊं कि मैं ये रस के टुकड़े खाने पे मजबूर हो गई हूँ और हमारा किचन में कुछ बनाने गई है तो मैं पानी यूज़ कर रही हूँ इसको कुछ भी नहीं पड़ा हुआ बनाने वाला खाना हमारा खाना बना रही है मैं ये खा रही हूँ बैठ के मैं दिखाती हूँ जाके और खुद भी देखती हूँ कि बना क्या रही है क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि वो बना क्या रही है उसने मुझे कहा मैं पहले देखूंगी क्या पड़ा हुआ है फिर डिसाइड करूंगी क्या बनाना है पानी और रस के साथ मैं थोड़ा गुजारा कर रही हूँ खाना बनने तक फिर जो खाना बनता है आपके साथ शेयर करते हैं और अभी गैस भी नहीं आई चलो ये सबसे बड़ा मुसीबत और स्यापा नहीं ना आई माड़ा अभी पूरा आधा घंटा या 20 मिनट पड़े हैं गैस आने में 5:30 हो गया है 5:30 सुबह के मैं खा रही हूँ रस भूखा भी मरवा दिया हम भूखे उधर से अब हमने एक पिज्जा का टुकड़ा खाया थोड़ा थोड़ा वहाँ पे हम जो भी चीज देखने जा रहे थे ना खाने के लिए वो बहुत महंगी थी 2-3 टेबलों से हम उठे हैं भला कौन कौन से एक हम उठे थे ट्रू पता नहीं क्या नाम था हमारा उसका ट्रोडस ट्रोडस से उठे थे और एक वहां से उठे थे जब मैंने कहा नहीं हमने ये होटल वालों से पूछा है वो कह रहे हैं यहाँ पे कोई भी नहीं आया अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है समरिया समरिया
ठीक है बेटा टी बड़ा। एक हम उस टेबल से उठे, वो भी बहुत महंगा था। फिर हमने फिर एक छोटा सा पिज्जा ऑर्डर किया स्मॉल साइज का, वो खाया और घर आ गए। और फिर हमने चाय पी लक्ष्मी चौक से, घर आए तो गैस चले गई हुई थी। इतना शुक्र है हम खाना सुबह सुबह बना आ गए थे, कल इसी टाइम हमने खाना बना लिया था। तो बाहर जाके देखती हूँ बाहर क्या बना रही है मैडम। कभी कह रही थी मैंने भिंडी बनानी है, कभी कह रही थी मैंने पता नहीं क्या चावल बनाने हैं चिकन वाले। अब जाके पूछती हूँ क्या डिसाइड हुआ। मुझे नहीं आवाज आ रही, मेरे कान में रू है। गाइस पहले मेरा इधर वाला कान बंद हुआ था, अभी इधर वाला हो गया, लेकिन इधर वाला ज्यादा खराब नहीं हुआ, थोड़ा ही है बस हल्का फुल्का सा। इधर वाला ज्यादा हो गया था क्योंकि इधर मैंने पिन्ने मार ली थी ना, इस वजह से। अब इसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया और वो ही दवाई यूज कर रही हूँ जो डॉक्टर ने मुझे लिख के दी। ये डॉक्टर ने लिख के दी थी, यही यूज कर रही हूँ। यही दवाइयाँ यूज कर रही हूँ, वो हल्का सा मसला है, अल्लाह का शुक्र है। इधर तो मैंने पिन्ने मार ली थी ना अपने कान में, मेरी बहन ने मुझे कहा था तुमने हाथ नहीं लगाना इस कान को, और मैं खुद भी बड़ा डर गई हूँ। ये भला क्यों हुआ, मुझे होना नहीं था ना ही हुआ था। इसके ठीक होने के बाद फौरन से मैंने बोतलें और आइसक्रीमें पीने खानी शुरू कर दी। दो दफ़ा मैंने लगातार आइसक्रीम खाई है और बोतल पी है, इसलिए हुआ। चलो अब मैं बस करूँ, ख़त्म हो गया, सारे रस खा गई। ये देखो टुकड़े टुकड़े पड़े हुए थे कब से, बासी हो गए हैं। जैसे सैलाब के मौसम में बिस्कुट बासी हो जाता है ना, वैसे। वो गाना गा रही है और आप में से किसी को उसकी आवाज अच्छी लगती है और मैं उसको आपकी खातिर जाती हूँ इसकी आवाज सुनाने, क्योंकि वो गा रही है गाना। कमेंट रिप्लाई करना। मैं बैठ एक मिनट। जुत्ती पहन लो इसकी, जो बट्टा इसको दे दो, ये लो जरा बट्टा रख लो, ये लो, ये पंखा लगाते हैं, उधर वाला पंखा करते हैं बंद। 6:30 हो रहे हैं। ओ ये पेड़ी गीली है, पहले सब तो ठहरो, पहले मैं बर्तन रख लूं धोने वाले। आप बैठते हैं इसके पास और पूछते हैं कि क्या आप दाल लगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू हमारा विद लाइव यूट्यूब चैनल। पे न्यू है तो कर ले सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक कमेंट शेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस आज का हमारा खूबसूरत दिन फजर के टाइम से लेके साथ शुरू हो गया, सबके साथ जहाँ भी रहे खुश रहे, इसी दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। So guys, vlog start करने पहले से मैं आपको बताती हूँ, लावो नीला वो एनु शगना दी मैं। रात को पता ही कौन सा गाना गा, रात को भला कौन सा गाना गा रही थी। हाँ वो मथे ते चमकन वाल मेरे बनेरे दे, गाइस वो हबा जो दांत पीले नजर आ रहे थे ना आपको, वो फिल्टर है।
चुप कर ली मेरी बात सुन। गाइस मुझे ना एक कमेंट आया था, मैं उसको रिप्लाई करना है, मुझे नाम नहीं पता लेकिन मैं ऊपर लगा दूंगी आज फिर एक और कमेंट ना मैंने सोच लिया। अब जिसका कमेंट मुझे सबसे अट्रैक्टिव सबसे अच्छा लगे करेगा ना, बस मैंने उस बंदे का कमेंट ऊपर लगा देना और उसको जवाब देना करना उस कमेंट का, चाहे वो बुरा भी हो या अच्छा भी हो जैसा भी हो कमेंट, हम लोगों ने आज से एक कमेंट ऊपर रखना है जो दिल पे लगेगा वो कमेंट करना कि तुम जवाब देते हमारा बट मजबूर हो जाए। बाकी खैर एक कमेंट आती हूँ क्या था मैं इधर मेंशन करती हूँ पढ़े आप भी, मैं भी पढ़ के सुनाती हूँ। कह रही थी कि आप दोनों सिस्टर बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह से और हम लोगों की भाभी आने वाली है, मेरे भाई की शादी है इस तरीक की 26 तरीक को। माशाल्लाह जी सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारक हो आप सबको, आपके भाई को, और अल्लाह पाक उनके नसीब बहुत अच्छे करे जो आ रही हैं और वो हमेशा दोनों खुश रहें, खुश रहें, सदा सुहागन रहे, जीते रहें। दादी अम्मा ना मुझे नहीं इतना पता, ठीक है सदा सुहागन रहे आमीन। और ना दूसरी बात मैंने ये करनी थी कि वो कह रही थी कि हम लोग पठान है पिशावर से और जो हमारी भाभी हैं वो लाहौर से हैं, वो पंजाबी हैं और वो हम लोग लाहौर से लाने आ रहे हैं भाभी अपनी। वाह, तो मुझे ये नहीं समझ आई कि मतलब पठान लोग जो होते हैं वो पंजाबियों में शादी कर लेते हैं, मतलब उनको उनके भाई की पसंद होगी फिर वो, है ना भाई की पसंद हो तो बताए इसको भाई की पसंद है ना, बात बताए इसको लीजिएगा कि हमारी जो भाभी आ रही है पंजाबी पर लाहौर से, वो भी देखना रे 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 बोलेंगी आपके साथ, आपको कितना हंसाती। हाँ वो कह रही थी हंसमुख है आपकी तरह। आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा की आप कौन, और वो लव मैरिज है हमारा को ना यकीन नहीं आ रहा ना इस बात पे, तो चले खैर अब इससे पूछते हैं कि हमारा तुम खाने में हमें क्या आज खिला रही हो। हम खाने में बनाएंगे भिंडी, उन्होंने मुझसे कहा ईमान तुमने मुझ में क्या देखा, मैंने उनको कहा मैंने आप में पैसा देखा। क्या देखा? पैसा देखा। औरत को चाहिए क्या होता है, खाना पैसा, खाना थोड़ा खाना थोड़ा पैसा। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, साड़ी बाजी साड़ी गल इथे ही आके मुक गए छड़ दे तू। लेकिन बाजी असी ते नहीं एहो जियां हैं वा ऐदा कड़ी शक्ल ला ली अपनी। हां क्यों ऐदा दी नहीं? नहीं मैं तो नहीं हूँ ऐसी, अल्लाह का शुक्र है। चूल्हे नू लाड़ी तो हमारी किचन में आज बन रही है भिंडी चिकन और प्याज। कमेंट किते मारा बगैर अगर तेन नहीं हुंदा खाना पसंद आप ही बना लिया कर, मान ली फिर मैं भी मशवरा देने का शुक्रिया। कल मैक्रोनी ऐते सोने खुआए सी, आज पिंडी पकानी पई है। की पकानी पई है? पिंडी पिंडी। ओ गाइस हमारा मेरी बहुत फनी है। तो गाइस मैं बना रही हूँ सैंडविच, अभी आप ये देख के लग रहा होगा कि ये कैसे सैंडविच है, ये क्या है, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि ये क्या है, आपको भी नहीं वाकई समझ आएगी। बहन धो रही है कपड़े और मैं बहन कर रही हूँ कुकिंग, मैं भी इसको टेंडर कर लूँ। तो गाइस मैं बना रही हूँ आहो बना रही हूँ भिंडी, तो गाइस अगर आपको इस भिंडी की रेसिपी चाहिए ना तो मैं अमरीना के चैनल पे बना रही हूँ, आप सब लोग लाजमी जाएं उसके चैनल पे जाके देखें, मैं कमेंट में उसके चैनल का लिंक पिन कर रही हूँ, लाजमी जाएं और उसके चैनल का थोड़ा सा वॉच टाइम करवाएं और साथ में भिंडी की रेसिपी ले लें। और हमारा इतनी अच्छी भिंडी बनाती है ना, अगर आप इसके तरीके से बनाएंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छी बनाती है। तुम्हारे हाथ की हमने हाड़ी खानी है जो बड़ी यम्मी होती है। हाँ ठीक है, तुम मेरी रेसिपी शूट करो मेरे मोबाइल पे। ओके यान।
अभी ये पका नहीं है, अभी इसको पकड़ने के लिए रखना आएगा। फुल रेसिपी अमरीना के चैनल पे मिलेगी, फुल रेसिपी इसकी, फुल रेसिपी लिंक कमेंट में पिन करूंगी, जाके देखिएगा लास्ट में। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इसलिए ऐसे रखा है। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अमरीना के चैनल पे लाजमी जाइएगा। मिलते हैं आपके अगले न्यू व्लॉग में इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।